नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनिया अडवाणी है और आप आए हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग में। आशा है निराश नहीं होंगे। आज के वीडियो में फ्रेंड्स, मैं एना सिविल द्वारा लिखित उनकी एकमात्र नॉवल ब्लैक ब्यूटी हिंदी में लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में अपलोड किया था। अपलोड करते ही मेरे एक व्यूअर का मैसेज आ गया कि हिंदी में करिए, अच्छा रहता। तो उनको भी मैंने यही लिखा कि मेरा अगला वीडियो हिंदी में ही होने वाला है। एक्चुअली न्यू यूट्यूबर हूँ तो रीच बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता क्या सही जाएगा क्या गलत। कोशिश कर रही हूँ, सबसे पहली तो कि मैं फेस टाइम भी कर रही हूँ। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद कॉन्फिडेंटली कर पाऊँगी आगे भी। तो फ्रेंड्स, ये किताब स्पेशल है काफ़ी मायनों में। सबसे मुख्य बात इस किताब की ये है कि ये एक आत्मकथा है, पर ये एक घोड़े की आत्मकथा है, उसी की ज़ुबानी। जी हाँ, ऐसा उस समय तो ऐसा बहुत कम होता था कि किसी पशु के दृष्टिकोण से कोई किताब लिखी गई हो। एना सिविल को पशुओं से बहुत प्यार था, खास करके घोड़ों से, क्योंकि 1877 में ये नॉवल उन्होंने कंप्लीट किया था, जो पब्लिश हुई थी 1877 में ही। उस समय इंग्लैंड में जहाँ पर वो रहती थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियों का, मतलब बसेस और कार्स का चलन नहीं था, तो घोड़ों को ही प्रयोग में लाया जाता था या फिर स्टीम इंजन यूज़ किया जाता था यहाँ से वहाँ जाने के लिए। उस पर भी जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होते थे, वहाँ पर तो घोड़ों की ही सवारी, बग्घियाँ बोलते हैं ना, कैरिजेस घोड़े खींचते हैं जिन्हें, उन पर ही ट्रैवल किया जाता था। तो एना सिविल क्योंकि अच्छे से चल नहीं पाती थी, उनको जब वो बहुत छोटी थी तब उनको पैर में कोई इंजरी हो गई थी, जो कि प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया था, जिस वजह से उनके पैर ख़राब हो गए थे। तो उनको ज़्यादातर समय घोड़ों वाली सवारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में घोड़ों के ऊपर हुए अत्याचार जो भी उन्होंने देखे, उसको उन्होंने कलमबद्ध करने की, पेन डाउन करने की सोची। तो अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने ये उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने एक ब्लैक ब्यूटी नामक घोड़े की आत्मकथा लिखी है, उसी की ज़ुबानी लिखी है, जिसमें वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है, फिर उसको उसके जीवन में क्या क्या मुश्किलें आई वो सब बताता है, और उसके अलग अलग मालिकों ने उसके साथ क्या क्या व्यवहार किया, और फाइनली वो कैसे जाकर सुकून से रिटायरमेंट वाली लाइफ जीता है। ये पूरे नॉवल की कहानी थी। एना सिविल ने एक जगह पर ये कहा है कि इस नॉवल को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि आम जनता में जो काम करने वाले पशु हैं, उनके प्रति प्यार और दया उत्पन्न हो, जो कि उस ज़माने में बिल्कुल ही मिसिंग होता था। पशुओं को भी प्यार, दया और हमदर्दी की ज़रूरत है, ये किसी को फील ही नहीं होता था। एक तरह की बेयरिंग रेन, यानी कि एक तरह की नकेल घोड़ों को चढ़ाई जाती थी, जो कि उनके लिए बहुत हर्टफुल होता था, बस इसलिए फैशनेबल था वो उस समय, ताकि वो जो लगाम होती है उस वो घोड़े के मुंह में यहाँ से डाली जाती थी, पीछे की तरफ जाकर उसके बैक पे आके रुकती थी, उसको कस के पीछे बांधा जाता था ताकि घोड़े का मुंह ऐसा रहे। शान की बात थी, फैशनेबल था, मतलब ये चीज़ ट्रेंडी था कि हम जिस घोड़े पे सवारी कर रहे हैं, जिस बग्घी पे, उसके घोड़ों का सिर नीचे नहीं रहे, सिर ऊपर रहे। मतलब कितना अजीब सा, बेतुका सा ये रिवाज था, और उस मूक जानवर को इतना तकलीफ देना, वो अपने मुंह में कुछ एक कभी आप फंसा कर देखना कैसा लगता है, जिस पर तो उसको इतनी ज़ोर से खींचा जाता था कभी कभी कि उसको ब्लीडिंग होने लगती थी मुंह से, घोड़ों को।
बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे रजिस्टर हैं हिस्ट्री में हमारे कि ये ऐसे ऐसी चीज़ें उनके ऊपर गियर्स डाले जाते थे जानवरों के ऊपर, जो उनके लिए तो बहुत कष्टदायी होता ही था। पता नहीं पर क्यों लोगों को इतना एहसास नहीं था। तो एना सिविल के इस नॉवल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई लोगों को जागरूक करने में, और ख़ास करके ये बेयरिंग रेन वाला जो कस्टम था, ये जो क्रूर प्रोसीजर था, इसको तो ख़त्म ही कर दिया गया था इंग्लैंड से इस जागरूकता के बाद। एना सिविल ने ये किताब 1871 से लेकर 1877 के बीच में लिखी, उसी वर्ष इसे पब्लिश भी किया गया, और ये पब्लिश होते ही हिट होनी शुरू भी हो गई थी। पर पब्लिश होने के बस 5 महीने बाद, अप्रैल के महीने में 1878 में एना सिविल की मृत्यु हो गई। वो इनिशियल सक्सेस तो देख पाई, पर इतनी बड़ी सक्सेस बनी ये नॉवल, ये वो विटनेस नहीं कर पाई। ये उस समय की क्या, ये अब तक की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक मानी जाती है, ब्लैक ब्यूटी। लोगों को ये किताब काफ़ी पसंद आई, एक तरह से उनकी आंखें खुली कि अरे हाँ, ऐसा भी होता है और इस चीज़ पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो जानवरों के प्रति दया की एक भावना उमड़ पड़ी, जन आंदोलन सा बन गया। बहुत सारी कुप्रथाएं जो कि वर्किंग क्लास जो एनिमल्स का था उनके साथ होता था, उसको रोका गया। एक तरह से कह सकते हैं जानवरों के राइट्स की, अधिकारों पर लिखी गई पहली किताब थी ये। इसके बाद इसके काफ़ी सारे और मूवीज़ में भी, पिक्चरों में इसको अडाप्ट किया गया इस स्टोरी को बहुत बार, और इसके टीवी में भी इसके सीरियल्स बने। कुल मिलाकर सुपर डुपर हिट नॉवल थी। तो आइए अब इसकी कहानी शॉर्ट में बता देती हूँ। ये एक ब्लैक ब्यूटी नामक काले घोड़े की कहानी है। इस किताब के हर चैप्टर में ब्लैक ब्यूटी के जीवन की एक घटना है, जो ज़्यादातर करके उसके अनुभव हैं जो उसको अलग अलग मालिकों के साथ हुए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक काले रंग का घोड़ा था जिसको ब्लैक ब्यूटी नाम दिया गया था बाद में। वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहानी शुरू करता है, ये कहानी वही सुना रहा है। वो बताता है कि वो एक फार्मर ग्रे के फार्म्स में रहता था, जहाँ उसकी माँ डचेस उसका बहुत ध्यान रखती थी, और वो मस्ती भरे दिन थे उसके। पर उसकी माँ उसको लगातार ये बताती रहती थी कि अपने मालिकों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना है, भले ही वो तुमसे रूड भी हो, पर तुम्हें हमेशा उनका आज्ञाकारी बने रहना है और हमेशा उनका आदर करना है। ब्लैक ब्यूटी थोड़ा सा बड़ा होता है तो फार्मर ग्रे उसको ध्यान से सिखाने लगता है, जो जो एक काम में आने वाले घोड़े को जो जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि अपने ऊपर सवारी करवाना या फिर कैरिज में बंद कर चलना, तरीके से चलना, सारे गियर्स वगैरह जो भी उनके ऊपर जो भी चीज़ें डाली जाती है उसको लेकर प्रॉपरली बिहेव करना, वो अच्छे से सीख भी रहा था। और वहाँ उसको प्यार भी मिलता था, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, तो वो खुश था बहुत। फिर एक दिन फार्मर ग्रे ब्लैक ब्यूटी को एक आदमी को बेच देता है जिसका नाम था स्क्वायर गॉर्डन। उसके बाद वो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करता है बिटविक पार्क में, जो कि स्क्वायर गॉर्डन का घर था। वहाँ पर वो एक सवारी कराने वाला घोड़ा और बग्घी में जुतने वाले घोड़े के रूप में काम करता है। स्क्वायर गॉर्डन और उसकी बीवी उससे काफ़ी खुश थे, उन्होंने ही उसे ब्लैक ब्यूटी नाम दिया था। उसका जो सवार था, ध्यान रखने वाला लड़का, स्टेबल बॉय बोलते हैं जिसे, उसका नाम था जॉन मैनली, वो भी ब्लैक ब्यूटी का बहुत ध्यान रखता था। वहाँ पर दो और लड़के थे, उन्हें भी वहाँ के सभी घोड़ों से काफ़ी प्यार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। संडेज़ को उनको पूरे दिन की छुट्टी भी मिलती थी, जब उन्हें हरे घास से भरे मैदानों में छोड़ दिया जाता था और उनके ऊपर कोई नकेल और हार्नेस नहीं होता था। पूरा दिन वो वहाँ अपनी मर्जी से विचरण करते थे। एक बार वहाँ पर एक आदमी सिगरेट पीते हुए आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग भी लग जाती है। जेम्स उन सब घोड़ों को बचाता है। जॉन के अलावा एक और स्टेबल बॉय था जेम्स,
हॉवर्ड, वो भी ब्लैक ब्यूटी को काफ़ी पसंद था। वो काफ़ी ध्यान रखता था सभी घोड़ों का। वहाँ पर ब्यूटी की दो और घोड़ों से दोस्ती हो जाती है, जिंजर और मेरी लेग्स। ये लोग सब मिलकर बहुत खुशी खुशी बेटवर्क में रह रहे थे। कुछ समय बाद जेम्स की जगह पर एक नया सवार आता है जिसका नाम था लिटिल जो ग्रीन। वो उम्र में तो छोटा था पर धीरे धीरे सभी घोड़े उसको भी प्यार करने लगते हैं। वो एक मस्त मौला लड़का था, गाने गाते रहता था। कुछ समय बीता ऐसे ही, पर एक जैसा नहीं रहता है समय हमेशा। तो एक बार ब्लैक ब्यूटी को बहुत तेज़ी से दौड़कर एक डॉक्टर को लाना पड़ा, जाकर उसके मालिक की वाइफ मिसेस गॉर्डन की जान बचाने के लिए। वो इतनी तेज़ दौड़ा कि डॉक्टर को तो टाइम पे ले आया, उसकी मालकिन की जान तो बच गई पर वो खुद बीमार पड़ गया। उसके बाद वो लिटिल जो के हाथों में था, पर क्योंकि उस बच्चे को इतना अनुभव नहीं था घोड़ों की देखभाल कैसे की जाती है, बुखार में भी वो उसको कुछ ओढ़ाता नहीं है, इस वजह से वो और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। पर जब जेम्स आता है वापस, वो उसको संभाल लेता है। मिस्टर गॉर्डन ब्लैक ब्यूटी के आभारी थे कि उसकी वजह से उनकी वाइफ की जान बची। इसी तरह से एक साल और बीत गया, बहुत अच्छे से ही बीता। खुश था ब्लैक ब्यूटी वहाँ पे, पर उसकी अच्छी किस्मत ज़्यादा टाइम तक नहीं चली, क्योंकि गॉर्डन वहाँ से जाने का निश्चय लेता है। क्योंकि उसकी वाइफ बार बार बीमार पड़ रही थी, तो डॉक्टर ने कोई और जगह पर जाकर रहने को सलाह दी थी। सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। घोड़ों को बेच दिया जाता है। ब्यूटी के नए मालिक इतने ज़्यादा प्यार करने वाले और ध्यान रखने वाले नहीं थे। ब्यूटी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उसको वहाँ पर बियरिंग रेन डाला जाता था उसके चेहरे पे। एक तरह की नकेल होती थी जिसको डालकर घोड़े का सिर ऊंचा उठाकर रखा जाता था, क्योंकि ये उस टाइम पर फैशनेबल था कि जिस बग्घी में आप सवारी कर रहे हो उसके घोड़े का सिर नीचे लटका हुआ नहीं ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। पर ये घोड़ों के लिए काफ़ी कष्टप्रद होता था। सब कुछ सहते हुए भी ब्लैक ब्यूटी काम किए जा रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने उसको कहा था कि कभी भी अपने मालिक का अनादर नहीं करना। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था जब तक कि एक शराबी सवार र्यूबिन स्मिथ ने उन घोड़ों का चार्ज नहीं ले लिया। वो वैसे तो बहुत अच्छा आदमी था, पर शराब पीने के बाद वो एक दूसरा ही आदमी हो जाता था। किसी काम से एक बार वो किसी दूर जगह पर गए और घर लौटते वक्त ब्यूटी के पैर से उसका जो हॉर्स शू होता है वो निकल रहा था, कील निकल रही थी उसकी, तो भी उसने ध्यान नहीं दिया स्मिथ ने, और उसको बहुत तेज़ी से दौड़ाया। इतनी तेज़ी से दौड़ाया कि वो गिर गया, घोड़ा गिर गया, और घोड़े के गिरते ही स्मिथ भी उस पर से उछलकर गिर गया। उसको चोट लगी और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इस हादसे में ब्यूटी को भी काफ़ी चोटें आईं और उसके पैरों में चोट के निशान काफ़ी रह गए। अब क्योंकि उसके पैर दागदार हो गए थे, उसको बग्घी में जोता नहीं जा सकता था, कि ये वाले मालिक भी उसे बेच देते हैं। उसके अब काम के लेवल में पतन होना शुरू हुआ। उसके कई मालिक बदले। इस दौरान उसको उदासीनता की आदत हो गई थी। हर बार जब भी उससे बुरा व्यवहार किया जाता उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती। धीरे धीरे करके वो ढलान की तरफ उतर रहा था। तभी उसकी किस्मत खुली और उसको एक लंदन के कैब मालिक ने, जिसका नाम था जेरी बाकर, उसने खरीद लिया। उसने उसके ऊपर कोई बेयरिंग रेन नहीं लगाई, कोई नकेल नहीं कसी उसको। वो और उसका परिवार सब ब्यूटी को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका नाम जैक रखा, क्योंकि उनको उसका नाम पता नहीं था ऑफ कोर्स। तो अब उसके वापस से अच्छे दिन आ गए, वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगा उनके साथ। पर एक बार फिर से उसको झटका लगा जब जेरी वहाँ से शिफ्ट होने की बात सोचता है। कोई मिसेस फाउलर के यहाँ पर उसको काम मिलता है, तो वो लोग अपनी ये वाली जगह छोड़कर
मिसेस फाउलर के यहाँ जाने का निश्चय करते हैं। फिर वो एक दयालु किसान मिस्टर थॉरोगुड को बेचा जाता है, जो कि उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए ये सोचते हैं कि उसको किसी ऐसी जगह ठिकाने लगाया जाए जहाँ पर से उसको कहीं जाना नहीं पड़े और उसके अंतिम समय तक वो वहीं रहे और उसके दिन अच्छे बीते। मिस्टर थॉरोगुड उसको पास ही की एक फैमिली में बेच देते हैं। उस फैमिली का जो ग्रूम था, सवार था, वो जब ब्लैक ब्यूटी को देखने आता है तो उसके एक एक निशान देखकर वो उसको पहचान जाता है कि ये तो ब्लैक ब्यूटी ही है। ब्लैक ब्यूटी को वो बोलता है कि मैं लिटिल जो ग्रीन हूँ, वो भी उसे पहचान जाता है और बहुत खुश होता है। ये जो नए ओनर्स थे ब्यूटी के, ये गॉर्डन्स के दोस्त थे। ब्यूटी के नए मालिक ये निश्चय करते हैं कि अब वो कभी ब्यूटी को नहीं बेचेंगे और वो अपने अंतिम दिनों तक यहीं रहेगा। लिटिल जो ग्रीन से अच्छा सवार कोई ब्यूटी को मिल नहीं सकता था। उसको बचपन में किए गए अपने व्यवहार पर पछतावा था और उसकी कमी वो अब पूरी कर रहा था ब्यूटी को प्यार और सहारा देकर। इस तरह दोस्तों ये कहानी ख़त्म होती है, अंततः उसके सारे दुख समाप्त होते हैं। यही जो लेखिका है वो संदेश देना चाहती है कि प्यार की आवश्यकता सबको होती है, सिर्फ इंसान को नहीं, जानवरों को भी उतनी ही होती है जितनी कि एक इंसान को होती है। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो उनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आए दिन कोई ना कोई नॉवल या कहानी या कोई कविता लेकर आती रहूँगी। अगर आपको कोई भी कमी लग रही हो तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसमें सुधार करने की। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए विदा दीजिए। कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। बाय।